गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन श्री रामा भारती ऑनलाइन क्लासेस, माई सेल्फ कृष्ण कुमार। तो एज यू नो स्टूडेंट, हम प्रीवियस क्लास में कक्षा दसवीं के लिए हम पदबंध कर रहे थे और मैंने अब तक आप लोगों को पदबंध का महत्व और मैंने आपको पदबंध की परिभाषा करवाई थी। एक बार हम फिर से प्रीवियस क्लास में थोड़े सा नजर दौड़ा लेते हैं। पदबंध क्या था बच्चे? जैसे वाक्य में मैंने आपको पांच चीजें बताई थी, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम, ये दोनों किस रूप में होते हैं? ये दोनों कर्ता के रूप में होते हैं, ठीक है। विशेषण जो कर्ता की क्या बताता है, कर्ता की, इस कर्ता की क्या बताता है, विशेषता बताता है, ठीक है। क्रिया, ठीक है, ये क्रिया इस कर्ता का क्या होता है, काम होता है। और क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण क्या करता है, वो क्रिया की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, ठीक है ना। तो वाक्य में जब भी संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया या क्रिया विशेषण, इन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए हम जितने शब्दों का, जितने पदों का सहारा लिया जाता है, वो सारे पद क्या कहलाएंगे, पदबंध कहलाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया था राम महापुरुष थे, ठीक है, राम महापुरुष थे। कौन से राम? दशरथ सुत, राम महापुरुष थे, ठीक है ना। तो अब इस प्रकार से क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ राम को लिख दूं तो हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर इंसान किस राम की बात ले जाए, ठीक है ना। तो मुझे यहां पर कर्ता के ऊपर भी, संज्ञा के ऊपर प्रश्न महसूस हुआ, इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए मैंने अपनी तरफ से इन पदों का क्या लिया, सहारा लिया। ये जो मैंने दो पदों का सहारा लिया, ये मेरे दोनों पद क्या कहलाएंगे, ये मेरे दोनों पद पदबंध कहलाएंगे, ठीक है ना। जिस भी चीज को स्पष्ट करने के लिए मैं पदों का सहारा लेता हूं, वो मेरे शब्द जो है क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। ये पदबंध की क्या है, परिभाषा। उसके बाद आते हैं पदबंध के भेद। पदबंध के भेद कितने हैं? देखिए पदबंध के बेटा पांच भेद हैं, पदबंध के पांच भेद हैं। पहला भेद है संज्ञा पदबंध, संज्ञा पदबंध। दूसरा भेद है सर्वनाम पदबंध, सर्वनाम पदबंध। तीसरा है विशेषण, विशेषण पदबंध। चौथा भेद है क्रिया पदबंध और पांचवा भेद है क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। ये पदबंध के क्या है, पांच भेद है, ठीक है ना। पदबंध आप इस चीज को यूज स्पष्ट कर लीजिए कि वाक्य में संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, इनके ऊपर जब भी कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो उस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाता है, वो सारे पद क्या कहलाएंगे, पदबंध। पदबंध के भेद कितने हैं? पांच के ऊपर प्रश्न उठता है, इसलिए पांच ही पदबंध के क्या है, भेद है। कौन कौन सा भेद है? संज्ञा पदबंध, स्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। ये पांच क्या है, पदबंध के भेद है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले संज्ञा पदबंध की। अब वाक्य में जो संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य में जो संज्ञा शब्द है, उस संज्ञा शब्द को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाता है, जिन पदों का सहारा लिया जाता है, वो पद क्या कहलाएंगे, संज्ञा पदबंध। डेफिनेशन सबकी बड़ी इजी है, जब संज्ञा को स्पष्ट करने के लिए पदों का सहारा लिया जाएगा तो वो कहलाएंगे संज्ञा पदबंध। जब स्वनाम को स्पष्ट करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाएगा तो वो कहलाएंगे स्वनाम पदबंध। एक बार अगर आप पदबंध की परिभाषा को और पदबंध को पहचानना अगर आपको आ गया, तो उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा कि ये संज्ञा पदबंध है, स्वनाम पदबंध है या विशेषण पदबंध है या क्रिया पदबंध है या फिर
क्रिया विशेषण पदबंध है। यह पहचानना आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने संज्ञा पदबंध किया। सबसे पहले संज्ञा पदबंध की मैंने डेफिनेशन क्या दी कि वाक्य में जो संज्ञा शब्द है, इस संज्ञा शब्द को स्पष्ट करने के लिए मैं जिन पदों का सहारा लूंगा वो पद क्या कहलाएंगे, वो पद कहलाएंगे संज्ञा पदबंध। वो पद क्या कहलाएंगे, संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने लिखा मोहन मन चला हो गया, मोहन मन चला हो गया, मन चला मतलब शरारती सा ज्यादा हो गया, ठीक है ना, शरारती सा ज्यादा हो गया, शरारते ज्यादा करने लग गया, ठीक है ना, हरकते उल्टी सुल्टी हरकते ज्यादा करने लग गया, उसको कहा जाएगा मन चला। तो मोहन क्या हो गया, मन चला हो गया। अब मोहन के ऊपर क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि वाक्य में किस मोहन का वर्णन किया है, किस मोहन के बारे में जिक्र कर रखा है, ये मोहन के ऊपर क्या बन गया, क्वेश्चन। मोहन अपने आप में क्या है, संज्ञा शब्द है। मोहन अपने आप में एक संज्ञा शब्द है और इस संज्ञा शब्द के ऊपर क्या बन गया, प्रश्न बन गया। अब मुझे अपने पदों से ये कंप्लीट करना है कि मैं किस मोहन की बात कर रहा हूं। अगर मैं इस चीज को स्पष्ट कर देता हूं तो ये मेरा कौन सा पदबंध हो जाएगा, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। मैंने एग्जांपल के तौर पर लिखा, मोहन को स्पष्ट करने के लिए मैंने लिखा दिल्ली जाने वाला, दिल्ली जाने वाला, यानी कि जो मोहन दिल्ली जाता है वो मोहन क्या हो गया, मन चला हो गया। मैंने वाक्य तो हमारा यही है, मोहन क्या हो गया, मन चला। मोहन की विशेषता बता रखी है कि वो मन चला हो गया। अब मोहन पे क्वेश्चन था, मैंने इस संज्ञा शब्द को इन पदों से क्या कर दिया, स्पष्ट कर दिया। ठीक है, मैंने बताया कि जो दिल्ली जाता था ना मोहन, वो क्या हो गया है, मन चला हो गया। इस तरीके से मैंने यहां पर किसको स्पष्ट किया, मैंने संज्ञा को स्पष्ट किया। ठीक है ना, तो जब भी वाक्य में संज्ञा शब्द को स्पष्ट किया जाता है तो पदबंध कौन सा होता है, संज्ञा पदबंध होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं दूसरा पदबंध हमारा सनाम पदबंध। ठीक है, सनाम पदबंध परिभाषा तो आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान हो गई अब इसकी। सनाम पदबंध मीन्स वाक्य में जब सनाम शब्द को, जो भी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं स्वरनाम, जब भी वाक्य में स्वरनाम शब्द को स्पष्ट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए जिन पदों का सहारा लिया जाता है, जिन पदों का सहारा लिया जाता है वो पद क्या कहलाएंगे, वो सारे पद स्वरनाम पदबंध कहलाएंगे। वाक्य में मुझे संज्ञा शब्द को स्पष्ट करना था तो संज्ञा पदबंध, वाक्य में जो मुझे स्वरनाम के ऊपर है स्पष्ट आ जाए, और मुझे जब स्वरनाम को स्पष्ट करना हो तो कौन सा पदबंध हो जाएगा, स्वरनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिखा, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया कि कुछ पर्यटक मांसाहारी हैं, कुछ पर्यटक मांसाहारी हैं, कुछ पर्यटक मांसाहारी है, ये मैंने सेंटेंस लिखा। अब देखिए कुछ जो शब्द है वो अपने आप में अनिश्चयवाचक है, ये नहीं पता हो रहा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, अनिश्चयवाचक ही क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, अब मैंने कहा कि कुछ पर्यटक मांसाहारी है, अब कोई मुझसे ये तो पूछेगा कि भाई तू कौन से पर्यटकों की बात कर रहा है, पर्यटक तो हमारे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो चले जाते हैं वो भी पर्यटक है, जो विदेशों से आए होते हैं वो भी पर्यटक होते हैं, जो लोकल पब्लिक घूम रही होती है एक तरीके से होती तो वो भी पर्यटक है। तो यहां पर कुछ के ऊपर क्या आ रहा है, अस्पष्ट आ रही है। अब अगर मैं इस कुछ को स्पष्ट कर दूं कि मैं कौन से कुछ की बात कर रहा हूं, तो जब मैं इसको स्पष्ट करूंगा तो ये कौन सा पदबंध हो जाएगा, स्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको स्पष्ट करने के लिए देखो अपनी तरफ से कुछ पद लगा देता हूं, यहां पर इस वाक्य में कुछ ऐड कर देता हूं। मैंने क्या ऐड किया, विदेश से आए हुए, मैंने कहा विदेश से आए हुए कुछ पर्यटक मांसाहारी हैं,
यानी कि विदेश से अब जितने पर्यटक आए थे उन पर्यटकों में से कुछ पर्यटक क्या है, वो मांसाहारी है। तो यहां पर अब कुछ की एक क्राइटेरिया बन गया कि जितने भी पर्यटक विदेश से आए थे उनमें से कुछ क्या है, वो मांसाहारी है। सारे मांसाहारी नहीं है, सिर्फ जो विदेश से आए थे उनमें से कुछ पर्यटक क्या है, मांसाहारी है। ठीक है, जैसे एक चीज और हम इस वाक्य को एक बार इस प्रकार से भी समझते हैं, वह डरपोक निकला, वह डरपोक निकला। अब कोई मुझसे पूछ रहे कि किस वह की बात कर रहा है, क्योंकि वह अपने आप में क्या है, सर्वनाम है। अब कोई मुझसे पूछे कि किस वह की बात कर रहा है, कौन सा वह डरपोक निकला है, कायर कौन सा निकला है, तो मैं इस वह को स्पष्ट करने के लिए क्या कहता हूं, वीरता की बातें करने वाला, वीरता की बातें करने वाला, वीरता की बातें करने वाला वह, ठीक है ना, जो वीरता की बातें करता था ना वही आज क्या निकला, डरपोक निकला। तो इस प्रकार से यहां पर मैंने कौन से पद का सहारा लिया, मैंने अपने स्वर्णनाम को स्पष्ट करने के लिए कुछ पदों का सहारा लिया, तो ये कौन सा पदबंद हो गया, स्वर्णनाम पदबंद हो गया। ठीक है, आई होप आप इन दो पदबंदों को अच्छे से समझ गए होंगे। अब बचे हुए तीन पदबंद हम अगली क्लास में करेंगे। इस कक्षा में मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज आपको करवानी थी जिससे आप थोड़े से और पदबंद को लेकर क्लियर हो जाए कि पदबंद के क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से। ठीक है ना, पदबंद के क्वेश्चन आएंगे किस प्रकार से, इस चीज को देख लेते हैं। मैंने लिखा चेतक बहुत तेज दौड़ता था, चेतक अपने आप में क्या है, करता, करता का क्या क्या था, दौड़ना, ये क्या है, क्रिया, क्रिया की विशेषता क्या है, तेज, ये क्या है, क्रिया विशेषण, ठीक है ना, वो तेज दौड़ता था। अब तेज की विशेषता क्या है, बहुत, ये इसमें फिर से क्या है, क्रिया विशेषण है, इसमें फिर से दो दो क्रिया विशेषण है यहां पर। तो जब क्रिया विशेषण के आगे एक और क्रिया विशेषण होता है तो वो कौन सा पदबंध होता है, क्रिया विशेषण पदबंध होता है। यहां पर मैं आपको क्रिया विशेषण पदबंध ही बताना चाह रहा था, यहां पर मैं आपको एक बार मैंने सारे पदों को आपको बता दिया कि इसमें कौन क्या है, चेतक करता है, बहुत क्रिया विशेषण है, तेज भी क्रिया विशेषण है, दौड़ना क्रिया है, और था जो है वो अपने आप में सहायक क्रिया है। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं आपको बताना चाह रहा हूं क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होगा, आपसे क्या कहा जाएगा कि इसमें पदबंध को छाटिए, जो आपने आपने पदबंध का काम कर रहे हैं ना आप उसको छाटिए। तो आपको क्या करना होगा, उस पर्टिकुलर शब्द को या पद को यहां से निकालना होगा। अब देखिए चेतक का काम था दौड़ना, आप कैसे निकालोगे, दौड़ना की विशेषता है तेज, ये तो इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन तेज की विशेषता क्या है, बहुत, ये जो बहुत शब्द है वो किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तेज को, तेज के क्राइटेरिया को स्पष्ट कर रहा है, यानी कि इसमें बहुत जो है वो क्या है, पदबंध है। आपसे ये पूछे कि कौन सा पदबंध है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध होगा। और कभी कभार क्वेश्चन को इजी कर दिया जाता है, और इजी करके आपको क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट देखिए, क्वेश्चन का दूसरा फॉर्मेट क्या होगा, आपको किसी शब्द वाक्य के अंदर किसी एक पर्टिकुलर शब्द के नीचे आपको या दो के नीचे आपको ऐसे अंडरलाइन मिलेगा जिसको हिंदी में रेखांकित बोलते हैं। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि उपरोक्त रेखांकित जो पद है वो अपने आप में कौन सा पदबंध है, तो आपको उस रेखांकित का यानी कि क्लियर तो खुद ही कर रखा होगा कि ये पदबंध है, बस आपको ये पहचानना है कि वो कौन सा पदबंध है। तो ये दो तरह का क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है, एक तो जब खुद ही अंडरलाइन करके ये देंगे आपको कि ये इसमें पदबंध है, बट आप बताइए कि कौन सा पदबंध है, और दूसरा क्या होगा कि आपको खुद इसमें से निकालना होगा कि इसमें पदबंध कौन सा है, और अगर फिर पूछ रखा हो कि इसका नाम भी लिखो तो आपको नाम भी लिखना होगा। आई होप आप क्वेश्चन के फॉर्मेट को अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे, और आज हमने संज्ञा और सर्वनाम पदबंध को किया, यह भी आपको अच्छे से स्पष्ट हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के पदबंधों को करने के लिए, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू।